असला वेरी वॉम वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ कॉरपोरेट लॉ इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक अकाउंट्स माई डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि कंपनी इज अ मीन्स ऑफ कॉपोरेशन इन अकोनमी कंपनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बैनर के नीचे आती है और एक दूसरे के साथ कॉपरेट करती है और सर्विसेज और गुड्स को प्रोड्यूस करती है मीनिंग देयर बाय इस एक्टिविटी का जो मकसद है वो पैसा बनाना है दैट इज टू जनरेट रेवेन्यू जब रेवेन्यू जनरेट करना है तो लाजमी बात है कि इनपुट्स होंगी आउटपुट होंगी और उनका डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट्स की शक्ल में या लॉस की शक्ल में जो है वह सरफेस होगा नाउ द क्वेश्चन राइज कि भाई कैसे आप तय करेंगे कंपनी जो है उसको प्रॉफिट्स हुए हैं या कंपनी जो है उसको लॉसेज हुए हैं या ये कैसे पता चलेगा कि कंपनी के ने किस मध में कितने पैसे जमा करवाए हैं या किस मध में कितने पैसे खर्चे हैं या किस मध में उसे कितने पैसे रिसीव हुए हैं उसने जो प्रोडक्शन की है उसने जो सर्विसेज दी हैं उनकी कॉस्ट क्या है और जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने हुए हैं दीज आर ऑल द क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन माई डियर तो इसके लिए नेचुरली जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है ये अकाउंट्स का एक पोर्शन जो है वो रखता है जो सेक्शन 230 से स्टार्ट होता है आइए देखते हैं कि अकाउंट्स के मुतालिक ऑर्डिनेंस 1984 क्या कहता है है जी सेक्शन 230 थर्टी बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय कंपनी कि कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं कि जिनको कंपनी ने मेन करना है सबसेक्शन वन पढ़ता हूं जी एवरी कंपनी शेल कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द कंपनी एंड द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस All sales and purchases of goods by the company, all assets of the company, all liabilities of the company and बात ये है मेरे दोस्तों कि यहां पर ये बात कही जा रही है कि एवरी कंपनी शेल यहां पर जो लफ्ज आ रहा है ना वो आ रहा है शेल का जब शेल का लफ्ज आ जाता है तो इससे मुराद ये होती है कि ये मैंडेटरी है मैंडेटरी से मुराद ये है कि ये कंपल्सन है कंपनी के ऊपर कि कंपनी इन अकाउंट्स को मेंटेन करेगी अगर यहां पर मे का लफ्ज होता तो ये ऑप्शनल हो जाता कंपनी चाहती तो कर लेती कंपनी चाहती तो ना करती तो यहां पर कहा गया है कि कंपनी जो है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की प्लेस के ऊपर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी मेंटेन करेगी उनमें कौन कौन से है? जो अकाउंट्स है वो मेंटेन कर रहे वो कह रहे हैं कि वो सम्स जो कि आपको रिसीव हुई इसके अलावा वो सम्स जो कि आपने पे की है आपने उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है इसके अलावा यहां पर ये बात की जा रही है कि ऑल सेल्स एंड परचेजेज ऑफ गुड्स ये ऑल सेल्स और परचेजेज ऑफ गुड्स जो हैं इनकी भी जो रिकॉर्डिंग है वो आपने रखनी है इनका भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना है इसके बाद यहां पर ये बात हो रही है कि ऑल द ऑफ़ द कंपनी मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग टर्म्स और उसके साथ साथ जितनी लायबिलिटीज़ हैं दैट मस्ट एज वेल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग टर्म्स तो बड़ी क्लियर सी बात आ रही है वो ये ऑर्डिनेंस ये चाह रहा है सेक्शन 230 के तहत कि एक कंपनी जो कि बिजनेस कर रही है वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करे अकाउंटिंग रिकॉर्ड और वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है दैट इज रिलेटिंग विद द एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स और दैट आल्सो रिलेट विद द विदेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी इसके अलावा कहां पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिमांड किया जा रहा है समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ कंपनीज होती है वो कुछ यूनिक बिजनेस करती हैं जैसे प्रोडक्शन में है माइनिंग में है तो समटाइम्स जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत जो कमीशन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो ऐसी कंपनीज से रिक्वायर कर लेता है कि इन एडिशन टू वट हैज बिन डिस्कस्ड आप कुछ नए जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी मेंटेन करें वो क्या रिकॉर्ड जो सकते हैं आइए उस पर नजर डालते हैं इन द केस ऑफ अ कंपनी Engaged in production, processing, manufacturing, or mining activities, such particulars relating to utilization of material or labor or the other inputs or items of cost as may be prescribed. If such class of companies is required by the Commission by a general or special order to include such टिकुल जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कमीशन जो है थ्रू स्पेशल ऑर्डर खास कंपनी को जो किसी चीज की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है किसी चीज की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है या वो माइनिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व उसको खास स्पेशल ऑर्डर से यह कमीशन कह सकती है कि जो ऊपर वाली बातें या जो पहले मैंने आपके साथ जो अकाउंट्स मेंटेन की बातें की हैं उनके साथ साथ बात अकाउंटिंग टर्म्स में रिकॉर्ड करें कि कौन कौन सी इनपुट्स इसमें यूज हुई हैं प्रोसेसिंग में माइनिंग में प्रोडक्शन में और लेबर जो है वो किस लेवल के ऊपर इस्तेमाल हुई है और उसका क्या जो है रिकॉर्ड है वो भी मेन्टेन करें यह जो आपके साथ मैंने बातचीत की है डिस्कस की है आपकी नजर कर रहा हूं ये बात कि इसके साथ एक प्रोविजो जो है वो अटैच हो गया है वो प्रोविजो क्या है प्रोवाइडेड दैट ऑल और एनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट अफोर्स सेड मे बी कैप्ट एट सच अदर प्लेस इन पाकिस्तान एज द डायरेक्टर्स मे डिसाइड एंड द वेन द डायरेक्टर्स सो डिसाइड द कंपनी शेल विद इन सेवन डेज ऑफ द डिसीजन फाइल विद द रजिस्ट्रार ए नोटिस इन राइटिंग गिविंग द फुल एड्रेस ऑफ द अदर प्लेस यहां पर इस प्रोविजो में यह बात की गई है कि जो सबसेक्शन वन था सेक्शन टू थर्टी का वो ये कह रहा था कि कंपनी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करेगी वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पर मेनटेन करेगी लेकिन यह प्रोविजो कह रहा है कि अगर डायरेक्टर्स जो हैं यह तय कर लें कि कहीं और पर भी यह रिकॉर्ड मेंटेन होना है तो कहा जा रहा है कि उनको आजादी है वो उस रिकॉर्ड को कहीं और जगह पर भी मेंटेन कर सकते हैं लेकिन अगर जब वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने मेंटेन करना है तो यहां पर यह बात की जा रही है कि डिसाइड करने के सात दिन के अंदर अंदर वो इस एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन जो है वो रजिस्ट्रार को देंगे सबसेक्शन टू वेर अ कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस वेदर इन और आउटसाइड पाकिस्तान द कंपनी शेल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन वन इफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन अफेक्टेड एट द ब्रांच ऑफिस आर कैप्ट एट द ब्रांच ऑफिस

ऑफिस जो है वहां पर भी जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा तो कह रहे हैं कि अगर ब्रांच ऑफिस अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करती है तो वो ब्रांच से मुतलका है तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो हर तीन माह के बाद उस रिकॉर्ड को रजिस्टर्ड ऑफिस को भेजें ताकि उसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट जो है वो की जा सके सबसेक्शन थ्री की तरफ चलते हैं जी For the purposes of subsection 1 and 2, proper books of accounts shall not be deemed to be kept with respect to the matters specified therein if there are not kept such books as are necessary to give a true and fair view of the state of affairs of the company or the branch office as the case may be and to explain its transaction. यहां पर यह बात की जा रही है कि अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की गई जिनके बारे में कहा गया है तो कहा जा रहा है कि ये कंसिडर किया जाएगा कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन मेंटेन्ड बाय द कंपनी क्योंकि जब रिक्वायर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होंगी तो ट्रू एंड फेयर जो रिजल्ट हैं वो पता नहीं चलेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड नहीं है तो कंसिडर किया जा रहा है कि कंपनी हैज फेल्ड टू मेंटेन द रिकॉर्ड मीनिंग देर बाय पार्शल मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज इन सफिशियंट पार्शल बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो मेंटेनेंस है इसको बड़ा शन किया जा रहा है बड़ा अवॉइड किया जा रहा है बड़ा डिसलाइक किया जा रहा है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन करना एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्डिनेंस बड़ा जरूरी है अगर प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होंगी तो कंसिडर किया जाएगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वह अवेलेबल नहीं है सबसेक्शन फोर की तरफ बढ़ते हैं जी

बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब यह क्या फिनोमिना है ये क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो है वो ओपन किया जा रहा है तो रीजन बींग कंपनी जो है मीन्स ऑफ कॉपरेशन है और इसके मुख्तिफ स्टेक होल्डर्स है और नेचुरली हर शख्स चाहता है कि ट्रू एंड फेयर जो व्यू ऑफ अकाउंट है उसके बारे में उसे पता हो और ये जो प्रोविजन है इट इज बेसिकली अ चेक ऑन डायरेक्टर्स क्योंकि डायरेक्टर्स जो हैं वो कस्टोडियन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं जो डायरेक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कितने पैसे खर्च करना है और कहां पर खर्च करना है और रेवेन्यू जो है वो कहां से जनरेट करना है तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन दिस सब सेक्शन फोर अ चेक इज इंपोज ऑन डायरेक्टर्स सबसेक्शन फाइव द डायरेक्टर्स सेल फ्रॉम टाइम टू टाइम determine whether and to what extent and what time and place and under what conditions or regulations the accounts and books or papers of the company or any one of them shall be open to the inspection of members not being directors and no member not being a director shall have any right of inspecting any account and books or papers of the company except एज कंफर्ड बाय देंस और ऑथराइज बाय द डायरेक्टर्स और बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग यहां पर बड़ी जबरदस्त बात की जा रही है डायरेक्टर्स जो है यह उनके ऊपर बात छोड़ी जा रही है कि वो ये डिसाइड करें किस हद तक अकाउंट्स को मेंबर्स के लिए ओपन करना है ताकि वो इंस्पेक्शन कर सके और किस हद तक जो बातें हैं उनको लोगों के साथ जो कि स्टेक होल्डर्स ऑफ कंपनी हैं शेयर करना है और कोई भी डायरेक्टर या मेंबर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता अनलैस एंट्रल के ऑर्डिनेंस जो है उसकी परमिशन देता और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने की जो पावर है वो ऑथोराइज बाय डायरेक्टर्स होनी चाहिए सेक्शन जो है ये इस चीज के बारे में बता रहा था सबसेक्शन सिक्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एवरी कंपनी रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन टेन इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करंट ईयर शैल बी प्रिजर्व इन गुड ऑर्डर यहां पर यह बात की जा रही है कि एक कंपनी जो है जो अकाउंट्स मेंटेन कर रही है उसके लिए जरूरी है कि वो अपने करंट ईयर से बैकवर्ड दस साल का जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसको गुड ऑर्डर में मेनटेन्ड रखें यह कंपल्सन जो है यह कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 एटी इंपोज कर रहा है और हर वो कंपनी जिसको दस साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है उसके लिए यह जरूरी है कि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड को गुड ऑर्डर में मेंटेन करे इस असूल के साथ एक प्रोविजो अटैच है आइए उस प्रोविजो के ऊपर नजर डालते प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ कंपनी इन कॉरपोरेटेड लेस देन टेन ईयर्स बिफोर द करंट ईयर द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द एंटायर पीरियड प्रिसीडिंग द करंट ईयर कैल बी सो प्रिजर्व यह एक्सेप्शन दी जा रही है पहले जनरल रसूल में बताया कि अगर इन कॉरपोरेशन से लेके और करंट ईयर से पहले दस साल मुकम्मल हो चुके हैं कंपनी के ऊपर यह जरूरी है कि वो उन दस साल का रिकॉर्ड जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसको गुड ऑर्डर में मेंटेन करे यहां पे एक्सेप्शन लगा दी उन्होंने कहा अगर सूरत हाल यह हो कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और क्रांटर से पहले दस साल से कम का स्पैन ऑफ टाइम है तो कहा जा रहा है कि वो जो स्पैन ऑफ टाइम दस साल से कम का है उसका मुकम्मल अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है उस कंपनी को गुड कंडीशन में मेन्टेन करना है सब सेक्शन सेवन इफ अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन एवरी डायरेक्टर इंक्लूडिंग चीफ एग्जीक्यूटिव एंड चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी हुइंगली बाय हिज एक्ट और अशन हैज बिन द कॉज ऑफ सच डिफॉल्ट Shall, in respect of a listed company, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which shall not be less than 20,000 rupees nor more than 50,000 rupees, and with a further fine which may extend to 5,000 rupees for every day after the first, during which the default continues. यहां पर यह बात की जा रही है कि ये जो सेक्शन आपने पढ़ा है सेक्शन 230 इसमें बहुत सारी जो हैं वो कंपल्स हैं बहुत सारी ऑब्लिगेशंस जो हैं वो बताई गई हैं और अगर कोई कंपनी इन प्रोविजन्स के साथ कंप्लाई नहीं करती इन प्रोविजन्स को फुलफिल नहीं करती इन प्रोविजन्स को फॉलो नहीं करती तो कहा जा रहा है कि फिर उनके ऊपर जो है वो पेनल्टी इंपोज की जाएगी आपको पता है ना कि पेनल्टी हम किसे कहते हैं देखिए पेनल्टी जो होती है ये पनिशमेंट होती है फॉर कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ लॉ इफ समवन गोज अगेंस्ट द लॉ देन उसके ऊपर पनिशमेंट इंपोज की जाती है और उस एक्शन को एक लफ्स में पेनल्टी कहा जाता है अगर कॉन्ट्रोवेंशन हो गई तो यहां पर कहा जा रहा है कि किन लोगों को सजा देंगे हम चीफ एग्जिकटिव डायरेक्टर चीफ अकाउंटेंट इनको सजा मिलेगी और उन्होंने कहा हुज नोइंगली बाई हिज एक्ट और बिन द कॉज ऑफ सच डिफॉल्ट नोइंगली का आपको पता है कि जानते बूझते उन्होंने यह काम किया कि इस जन ऑफ लॉ के साथ कंप्लाइंस नहीं दी तो कहा जा रहा है कि अगर यह सिचुएशन लिस्टेड कंपनी में लिस्टेड कंपनी ऐसी कंपनी जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है जिसकी सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर होती है तो कहा जा रहा है कि अगर यह डिफॉल्ट लिस्टेड कंपनी के चीफ एग्जेक्टिव ने किया है डायरेक्टर ने किया है या चीफ अकाउंटेंट ने किया है नोइंगली किया है तो उसको सजा का जो लेवल बताया जा रहा है वो ये है कि उसको इम प्रिजनमेंट दी जा रही है और इम प्रिजनमेंट का जो स्पैन ऑफ टाइम है जो चेन्योर है दैट इज वन ईयर इट ही विल गो बिहाइंड द बार सच ए ग्रेव पनिशमेंट जब कोई बार्स के पीछे चला जाता है तो वो बहुत सारी जगह पर डिसक्वालिफाई हो जाता है तो यहां पर यह जो बार के पीछे भेजने की बात है जो इम्प्रेजमेंट की बात है ये क्रिमिनल पनिशमेंट की तरफ इशारा कर रही है इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अब उसके ऊपर इन मनी टर्म्स फाइन भी इंपोज किया जा सकता जो कि कम से कम बीस हजार रुपया होगा और ज्यादा से ज्यादा पचास हजार रुपया हो सकता है इसका मतलब है बीस हजार से कम फाइन नहीं है और पचास से ज्यादा फाइन हो नहीं सकता एंड फर्दर फाइन और इसके साथ फर्दर फाइन क्या हो सकता है कि अगर ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है सेक्शन के साथ कंप्लाइंस नहीं रहती तो फिर यहां कहा जा रहा है हर जो दिन आने वाला दिन है उसके लिए पांच हजार रुपए का जो जुर्माना है वो इंपोज किया जाएगा तो अभी मैंने आपको बताया पब्लिक लिस्टेड कंपनी कि चीफ एग्जेक्टिव डायरेक्टर या चीफ अकाउंटेंट जब डिफॉल्ट करते हैं तो उनके ऊपर पनिशमेंट क्या होती है आइए आगे, आगे चलते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर कंपनी बी पनिशेबल विद इंप्रेजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू सिक्स मंथ्स एंड विद फाइन व्हिच मेक्स एक्सटेंड टू टेन थाउजेंड रूपीज और अगर ये ऑफेंस ये डिफॉल्ट नॉन पब्लिक लिस्टेड कंपनी ने किया या आप यह कह सकते हैं कि डिफॉल्टेज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी तो फिर क्या फाइन इंपोज होगा तो कहा जा रहा है कि ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं है अगर उसने डिफॉल्ट किया है सेक्शन टू थर्टी की वायोलेशन की है तो उसके डायरेक्टर को उसके चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके चीफ अकाउंटेंट को जो सजा हो सकती है वो कहा जा रहा है कि छह माह की इंप्रेजनमेंट है और जो फाइन इंपोज किया जा रहा है वो टेन थाउजेंड रुपीज है सब सेक्शन एट की तरफ बढ़ते द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एक्सेप्ट दो ऑफ सबसेक्शन सिक्स कैल अप्लाई म्यूटेटिस मूटेंडिस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिक्विडेटर इज रिक्वायर्ड टू मेंप यहां पर यह बात की जा रही है यह लिक्विडेटर का कॉन्सेप्ट इसमें जो है वो आ गया है नाउ द क्वेश्चन राइज ये लिक्विडेटर क्या होता है देखिए बात यह है जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो कंपनी एक लीगल आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाती है लेकिन लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि कंपनी को डिजोल्व करना भी पड़ जाता सिचुएशंस डिमांड करती हैं कि इसका आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का जो स्टेटस है उसको खत्म कर दिया जाए तो जब डेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो वहां पर लिक्विडेटर का रोल आ जाता है कंपनी के मामला को वाइंड अप करना होता है कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स को कैश फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में लाना होता है। तो वहां पर रोल ऑफ लिक्विडेटर आ जाता है कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट को छोड़ देती है और लिक्विडेटर जो है वो मैनेजमेंट में आ जाता है और कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है और कंपनी के मामला को वाइंड अप करता है तो नेचुरली जब लिक्विडेटर आएगा तो उसने भी तो पेमेंट्स को लेना है पेमेंट्स को करना है उसने भी तो एसेट्स जो है उनको रियलाइज करना है उनकी प्रोसीड्स को रिकॉर्ड करना है तो कहा जा रहा है कि यहां पर जो कुछ भी लिखा हुआ है सेक्शन 230 में उसको फॉलो करना लिक्विडेटर के लिए जरूरी है सवाई सब सेक्शन सिक्स के तो ब्यूटेटस मुटेंडस का लफ्ज इसलिए लगा कि अगर लिक्विडेटर अकाउंट्स को मेंटेन करेगा तो बिल्कुल वैसे ही अकाउंट्स को मेंटेन करेगा जैसे सेक्शन 230 कह रहा है लेकिन लिक्विडेटर को एक एक्सेप्शन जरूर सेक्शन में दी गई है जो कि कंटेन्ड है इन सबसेक्शन सिक्स सेक्शन टू थर्टी वन इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय रजिस्टर एसेक्ट्रा सबसेक्शन वन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड बुक्स एंड पेपर Of every company shall be open to inspection by the registrar or by any officer authorized by the commission in this behalf. If for reasons to be recorded in writing, the registrar or the commission consider it necessary so to do. Here, you see unique concept is in front of us. Company is so very important. कंपनी का जो रोल है किसी मुल्क की इकोनोमी में वो बियॉन्ड डाउट ग्रेट है कंपनी इज अ मींस ऑफ कॉपरेशन कंपनी इज अ वरफुल फिनिना कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन द इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज पोरेटाइजेशन फिनमिना को रेगुलेट करता है और वो कंपनीज के ऊपर आयज रखता है इट कीप्स एन आईज एन आई ऑन द अफेयर्स ऑफ कंपनी तो यहां पर देखें 231 सेक्शन जो है ये परमिट कर रहा है रजिस्ट्रार को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जब वो ये देखें कि कोई जरूरत पेश आ गई है या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे ही हैं और वैलिड रीजंस हैं इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की तो वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जांच पड़ताल कर सकते हैं उनकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं सबसेक्शन टू इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी डायरेक्टर ऑफिसर और अदर इंप्लॉय ऑफ द कंपनी टू प्रोड्यूस टू द पर्सन Making inspection under subsection 1 all such books of account and books and papers of the company in his custody or under his control, and to furnish him with any such statement, information, or explanation relating to the affairs of the company as the said person may require of him within such time and such place as he may specify. Subsection 2 may. ये बात की गई है कि जब रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन के लिए आ गया है कंपनी के अफेयर्स की या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने किसी ऑफिसर को डिप्यूट कर दिया है कि वो जाए और जाके कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या बुक्स एंड पेपर्स हैं उनकी जांच पड़ताल करे तो कहा जा रहा है इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी डायरेक्टर ऑफिसर और अदर इंप्लॉयी ऑफ द कंपनी लव ड्यूटी आ गया अब ये ड्यूटी किसकी लगा दी उन्होंने क्या कि जिस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन होनी है उसके जो ऑफिसर्स हैं डायरेक्टर्स हैं चीफ एग्जीकटिव हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये उस शख्स को जो कि इंस्पेक्शन के लिए आया है हर तरह से फैसिलिटेट करें तमाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड करें तमाम स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करें और अगर कोई उस शख्स की क्वेरी है तो उसको एंटरटेन करें मीनिंग देयर बाय इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर ऑफ द कंपनी और इंप्लाई ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पर्सन अपॉइंटेड टू डू इंस्पेक्शन रिलेडिंग द अकाउंट ऑफ कंपनी यहां पर जो लफ्ज है ना ये ड्यूटी का लफ्ज है तो ड्यूटी का लफ्ज जो है ये रिलेट करता है लफ्ज ऑब्लिगेशन से जो कि ऑब्लिगेशन का लफ्ज जो है ये इसका जेनेसिस जो है इसका जो ओरिजिन है वो एक लैटिन वर्ड है ऑब्लिगेशियो विच मीन्स ड्यूटी इंपोज बाय लॉ अगर ये ड्यूटी फुलफिल नहीं करेंगे तो नेचुरली कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ लॉ डवेलप हो जाएगी तो लफ्ज यहां पर ड्यूटी का लगा इट शैल बी द ड्यूटी इसका मतलब है शेल का लफ्ज भी और ड्यूटी का लफ्ज भी आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितना पावरफुल है कि जब इंस्पेक्शन हो रही है तो बस फिर सबकी जिम्मेदारी है सारे लोग जो हैं उस शख्स को इंस्पेक्शन में एंटरटेन करेंगे सब सेक्शन थ्री इट शेल आल्सो बी द ड्यूटी ऑफ एवरी डायरेक्टर ऑफिसर और अदर इंप्लाई ऑफ द कंपनी टू गिव टू द पर्सन मेकिंग इंस्पेक्शन अंडर दिस सेक्शन ऑल असिस्टेंट्स इन कनेक्शन विद द इंस्पेक्शन विद द कंपनी मे बी रिजनेबली एक्सपेक्टेड टू गिव ये रिइटरेशन है ये पहली वाली बात को और ज्यादा मजबूत करने की बात है कि डायरेक्टर्स को ये कहा जा रहा है कि आप जो कुछ रीजनेबली कर सकते हैं आप उस शख्स को फेसिलिटेट करने के लिए करें जो कि कंपनी के, के अकाउंट्स की इंस्पेक्शन के लिए आया है Subsection four: The person making the inspection under this section may, during the course of inspection, make or cause to be made copies of books of account and other books and papers, place or cause to be placed by marks or identification thereon, in token of the inspection having been made. Here, this is being कि एक शख्स आ रहा है का वो रजिस्ट्रार है या वो कोई अपॉइंटी है बाय द कमीशन और वो कंपनी के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर रहा है तो कह रहे हैं कि अगर वो शख्स उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपीज लेना चाहे कोई एक्सट्रैक्ट लेना चाहे तो उसको इजाजत है इसके अलावा अगर वो शख्स ये चाहता है वो अकाउंट्स के ऊपर कोई मार्क छोड़ दे और मार्क इस चीज की निशानी हो कि यह रिकॉर्ड उसने देख लिया है तो उस मार्क के लगाने की भी उसे इजाजत है सब सेक्शन फाइव वेयर एंड इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड बुक्स एंड पेपर ऑफ द कंपनी हैज बिन मेड अंडर दिस सेक्शन बाय एन ऑफिसर ऑथराइज बाय द कमीशन सच ऑफिसर शेल मेक अ रिपोर्ट टू द कमीशन अब यहां पर यह बात हो रही है कि जब एक रजिस्ट्रार ने इंस्पेक्शन कर ली है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की या कमीशन के बिहाफ पे किसी ऑफिसर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी की इंस्पेक्शन कर रही है तो कहा जा रहा है कि अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक रिपोर्ट बनाएगा और वह जो रिपोर्ट होगी वो कमीशन को वो सबमिट करेगा माय डियर स्टूडेंट्स ये रिपोर्ट क्या होती है रिपोर्ट इज एन ऑफिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स के जब आप ऑफिशियली किसी इशू के मुतालिक कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स इन ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म प्रेजेंट करते हैं अपने से ऊपर किसी अथॉरिटी को तो उसे हम रिपोर्ट कहते हैं तो यहां पर रजिस्ट्रार या वो शख्स जो कमीशन के बिहाफ पर इंस्पेक्ट करने आ रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट उसकी जिम्मेदारी है कि वो रिपोर्ट बनाए और उस रिपोर्ट को कमीशन के सामने प्रिजेंट करे नेक्स्ट जी आता है सबसेक्शन सिक्स

default in compliance with provisions of section 231 subsection 1 if default is made in complying with the provision of section 231 every person who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year and with fine which shall not be less than 10000 rupees agar section 231 का डिफॉल्ट कर दिया गया सेक्शन 231 ये कहता है कि इंस्पेक्शन रजिस्ट्रार कर सकता है या इंस्पेक्शन जो है वो कमीशन का कोई ऑथोराइज शख्स जो है वो कर सकता है अगर डिफॉल्ट कर दिया कंपनी ने कंपनी ने उनको फैसिलिटेट नहीं किया इंस्पेक्शन नहीं की नहीं होने दी तो यहां पर बताया जा रहा है कि जनाब ऐसे लोग जो हैं जो कि डिफॉल्ट में शामिल हैं उनको हम सजा दे सकते हैं जो कि एक साल की इंप्रिजनमेंट है गोइंग बिहाइंड द बार और इसके अलावा जो सजा है वो फाइन की शक्ल में दस हजार रुपए तक हो सकती है सब सेक्शन टू ऑफ सेक्शन टू थ्री टू वेयर अ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑफ अ कंपनी हैज बिन कन्विक्टेड ऑन अफेंस अंडर दिस सेक्शन ही शैल ऑन and from the date on which he is so convicted be deemed to have vacated his office as such and on such vacation of office shall be disqualified for holding such office in any company for a period of five years what a grave punishment section 231 may inspection by registrar or inspection by authorized officer of commission hai. अगर किसी डायरेक्टर ने किसी ऑफिसर ने सेक्शन 231 के तहत जो इंस्पेक्शन हो रही है उसमें रुकावट हाइल की है इंस्पेक्शन को फेसिलिटेट नहीं किया और वो कन्विक्टेड हो गया है कन्विक्टेड से मुराद है कि ही हैज बिन डिक्लेयर्ड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर द लॉ तो कहा जा रहा है कि वो शख्स जो है अपने ऑफिस से कन्विक्ट होने के टाइम पर वकेटेड कंसिडर किया जाएगा ही वुडंट बी द ऑफिसर ऑफ द कंपनी ही वुडेंट बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी द मोमेंट ही इज गेट कन्विक्टेड बाय द कोर्ट और एक और यहां पे बात की जा रही है कि ऐसा शख्स जो है वो पांच साल के लिए डिसक्वालिफाइड कंसिडर किया जाएगा उसदे के लिए जिस और से उसे कन्विक्ट किया गया है सेक्शन 233, थर्टी एनुअल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट द डायरेक्टर्स ऑफ एवरी कंपनी शैल एट डेट, नॉट लेटर देन 18 मंथ्स, आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड सब्सिक्वेंटली वंस एट लीस्ट इन एवरी कैलेंडर ईयर ले बिफोर द कंपनी In general, meeting a balance sheet and profit and loss account, or in the case of a company not trading for profit, an income and expenditure account for the period, in the case of the first account for the period since the incorporation of the company, in any other case, since the preceding account made up to the date not earlier than the date of the meeting by more than four months. Yeah, ये बात की जा रही है कि एनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स एनुअल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट अगर एक कंपनी बनी है इनकॉर्पोरेट हुई है और वो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग बिजनेस में है तो कहा जा रहा है कि वो इनकॉर्पोरेशन के अट्ठारह माह के अंदर अंदर अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं और बैलेंस शीट जो है वो जनरल मीटिंग में प्रेजेंट करेगी और अगर एक कंपनी है और उसका मकसद पैसे कमाना नहीं है नेचुरली वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगी रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा तो वो भी इसी स्पैन ऑफ टाइम के अंदर अंदर जो है वो जनरल मीटिंग मेंबर्स के सामने अकाउंट्स और बैलेंस शीट को रखेगी

स्पेशल परमिशन ले ली जाए रजिस्ट्रार से तो ये पीरियड जो 12 मंथ्स का है ये एक्सटेंड भी हो सकता है सबसेक्शन थ्री द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शैल बी ऑडिटेड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन द मैनर हेयर इन बिफोर प्रोवाइडेड एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी अटैच देयर टू आप ये देखें कि यहां पे ऑडिटर का रोल आ गया सवाल पैदा होता है ये ऑडिट क्या है ये ऑडिटर कौन ऑडिट इज बेसिकली ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी और वो शख्स जो ऑडिट करता है उसे हम ऑडिटर कहते हैं अब देखें कंपनी जो है मींस ऑफ कॉपरेशन है डायरेक्टर्स आर कस्टोडियन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर्स जितने हैं जितने मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैं, वो तो अपने अपने घरों में बैठे हैं और कंपनी के अफेयर्स कौन चला रहे हैं डायरेक्टर्स चला रहे हैं और यहां पे देखें कि एनुअल अकाउंट्स जो बनाने हैं वो भी डायरेक्टर्स की निगरानी में ही बनने तो लाजी बात है उनको वेरीफाई करने का उनको ऑथेंटिकेट करने का कोई जरिया होना चाहिए तो यहां पर जो रोल इमर्ज होता है वो ऑडिटर का होता है अब आपकी खिदमत में मैंने अर्ज कर दिया ऑडिटर एक शख्स जो ऑफिशियली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करे और बताए कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं ये ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी बताते हैं तो बेसिकली इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ ऑडिटर टू वेरीफाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड एज Maintained by the company. So here being that the balance sheet, this accounting record, it must be accompanied by an auditor's report. Subsection 4. Every company shall send a copy of such balance sheet and profit and loss account or income and expenditure account. So audited. Together with a copy of the auditor's report and the director's report to the registered address of every member of the company at least 21 days before the meeting, at which it is to be laid before the members of the company and shall keep a copy at the registered office of the company for the inspection of the members of the company during a period of at least 21 days before that meeting. हर कंपनी के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि जब उसने एनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना ली है बैलेंस शीट बना ली है तो वो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के साथ और ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने हर मेंबर को भिजवाए कब भिजवाना है मीटिंग जिसमें उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ने प्रिजेंट होना है उससे 21 दिन पहले उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को उन मेंबर्स तक पहुंचाना है इसके अलावा कंपनी के लिए यह जरूरी है कि वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ओपन करे फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ मेंबर्स फॉर 21 डेज बिफोर द मीटिंग उन 21 दिन में वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं, वो अवेलेबल होंगे इंस्पेक्शन के लिए अब ये देखें ये 21 दिन पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों भिजवाई जा रही हैं? उसकी वजह ये है ताकि जितने शेयर होल्डर्स हैं वो उसको बड़े गौर और खोज से पढ़ सके उसके ऊपर डेलिब्रेशन कर सकें और अगर कोई पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्शन तो उनको नोट डाउन कर सके और ताकि मीटिंग में वो सारी बातें जिनके ऊपर डाउट्स हैं उनको डिस्कस किया जा सके और ऑब्जेक्शन को रेज किया जा सके तो दिस इज द फिलोसफी बिहाइंड दिस सब सेक्शन फोर सबसेक्शन फाइव अ लिस्टेड कंपनी शैल साइमल्टेनियसली विद द डिस्पैच ऑफ द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टूगेदर विद द रिपोर्ट रेफर टू इन सेक्शन फोर सेंड फाइव कॉपीज

पांच पांच कॉपियां भेजी वो कौन लोग हैं जिनको पांच पांच कॉपियां भेजने का कहा जा रहा है यहां पे बताया जा रहा है कमीशन को भेजेगी स्टॉक एक्सचेंज को भेजेगी और रजिस्ट्रार कंसर्न को कॉपीज भेजेगी पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अकाउंट्स जा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के पास पब्लिक लिस्टेड कंपनी अकाउंट्स जा रहे हैं रजिस्ट्रार के पास पब्लिक लिस्टेड कंपनी अकाउंट्स जा रहे हैं कमीशन के पास ये क्यों ऐसे किया जा रहा है सीधी सी बात है कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट पिनोमिना कंपनी कंट्रीब्यूट्स अ लॉट इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री पब्लिक इंटरेस्ट है ताकि टू कीप ए नाई ऑन द डायरेक्टर्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी अब ये जो तीनों लोग हैं ये तीनों अथॉरिटीज जो हैं, ये नेचुरली उसको देखेंगी उसके ऊपर डेलिब्रेशन करेंगी और अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज होता होगा तो दे वुड क्लच द डायरेक्टर्स और दी कंपनी पावर ऑफ कमीशन टू रिक्वायर सबमिशन ऑफ एडिशनल स्टेटमेंट्स, ऑफ अकाउंट्स एंड रिपोर्ट सबसेक्शन वन ऑफ सेक्शन टू The Commission may, by general or special order, require companies generally or any class of companies or any particular company to prepare and send to the members, the registrar, an authority, a stock exchange, and any other person such periodical statements of accounts, information, or other reports. इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर यहां पर इस सेक्शन में यह बात की जा रही है कि कमीशन के पास पावर है कि कमीशन बाय स्पेशल ऑर्डर और जनरल ऑर्डर कंपनीज या क्लास्ट ऑफ कंपनीज को या किसी खास कंपनी को यह ऑर्डर कर सकता है आप पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स बनाएं और उन स्टेटमेंट्स को मेंबर्स को भेजें और रजिस्ट्रार को भेजें या कमीशन को भेजें या कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज को भेजें यहां पर यह बात समझनी जरूरी है कि यह पावर कमीशन को क्यों दी गई सीधी सी बात है कमीशन जो है यह कस्टोरियन है कैपिटल मार्केट का समटाइम्स ऐसी कंपनीज होती हैं कि जो बड़ी सेंसिटिव कंपनीज होती हैं और जिनमें जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो बड़े हाई लेवल के ऊपर होती हैं उन कंपनीज का फ्लरिश करना जो है दैट इज ऑफ अट मोस्ट इंपॉर्टेंस इन पब्लिक इंटरेस्ट देअर फोर कमीशन को पावर दिए कि अगर कमीशन समझता है कोई कोई ऐसी कंपनीज हैं तो वो उनको कह सकता है कि वो प्रियोडिकल स्टेटमेंट्स या और कोई रिपोर्ट वो अपने मेंबर्स को स्टॉक एक्सचेंज को रजिस्ट्रार को या कमीशन को दें अगर डिफॉल्ट होगा तो यहां कहा जा रहा है तो उसकी भी सजा दी जा रही है जो कि डिफॉल्ट करेंगे उनको 1,000 रुपीस तक जो है वो फाइन हो सकता है इसके अलावा सेक्शन टू हमारे पास है Section 247 Kiju heading hai, wo kya keh rahi hai? rights of debenture holders, etc. as to receipt and inspection of reports, etc. The holders of debentures, including the trustees for holders of debentures of a company, shall have the same right to receive and obtain on payment copies of the balance sheet and profit and loss account or the income and expenditure account of the company.

शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी जो है वो रिपोर्ट को लेते हैं बाई डर स्टूडेंट्स विद दिस आई हैव रियली डिस्कस विद यू द इंपोर्टेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, रिलेटिंग द अकाउंट्स ऑफ कंपनी। आपसे गुजारिश ये है कि अकाउंट्स को बड़े प्रॉपरली समझिएगा और इसको जज्ब करने की कोशिश कीजिएगा इसके अलावा जो भी डिस्टिंक्ट प्रोविजन्स हैं उनको भी पढ़ना जो है वो मत भूलिएगा विद दिस We are finished with our topic accounts. Now I would like to discuss with you a quotation. Quotation to enhance wisdom. baat, a man without patience is like a lamp without oil. A patience, kya hoti? Ye patience sabar ka a patient's sabarkanam. Up kobatam a very important bath. वो ये कि जो पेस ऑफ नेचर है वो भी पेशेंस है कोई भी आप गलत काम करें फौरन उसका जवाब नहीं आएगा गलत कोई भी आप अच्छा काम करें फौरन आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो पेस ऑफ नेचर इज पेशंस और कहा जाता है अगर एक शख्स में सबर नहीं है तो वो एक ऐसा शख्स है कि जिसकी मिसाल दी जा रही है कि वह है तो लैम्प लेकिन उसमें जलने के लिए ऑयल नहीं है तो पेशेंस जो है काइंडली इसको अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएं और जो पेशेंट आदमी है वही जो है वो सक्सीड करता है आई होप यू हैव गॉट वट एवर आई हैव टॉट यू थैंक यू वेरी मच इन डीट